हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के विज्ञान विषय को स्टार्ट करेंगे और क्लास 10th का जो विज्ञान विषय है उस विज्ञान विषय में हम देखेंगे कि 10th क्लास का जो विज्ञान का जीव विज्ञान का पार्ट है उस जीव विज्ञान के पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट यूनिट है वही आपकी जीव विज्ञान से संबंधित है और जीव विज्ञान की जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट है उसमें आप देखेंगे तो मानव एवं उससे संबंधित तंत्र है वो इसमें है। और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो मानव स्वास्थ्य एवं आपको ध्यान रखना है भोजन से संबंधित है। तो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम देखेंगे। दूसरा चैप्टर है वो आपको ध्यान रखना है मानव तंत्र से संबंधित है। सेकंड चैप्टर कौन सा है? मानव तंत्र। थर्ड चैप्टर है वो आपको ध्यान रखना है जेनेटिक्स से संबंधित है, अनुवांशिकी से संबंधित है। और फोर्थ चैप्टर है वो प्रतिरक्षा का है। तो फोर्थ चैप्टर प्रतिरक्षा एवं रुधिर समूह है। तो ये सारे हमें ध्यान रखना है। ये चारों चैप्टर वो किससे संबंधित है? बायोलॉजी से संबंधित है। इन चारों सेक्टर का अध्ययन है वो मैं आपको करवाऊंगा। उसमें हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मानव तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रकृति में छोटे से छोटे पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु होंगे वे मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? अणु का। और विभिन्न प्रकार के अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये यौगिक होंगे विभिन्न प्रकार के यौगिकों के संगठन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और जीव द्रव्य होगा उसी के चारों ओर झिल्ली का निर्माण होने से किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एक कोशिका बनेगी और कोशिका से ही जीवन क्या होता है? प्रारंभ होता है। इससे पहले ये यौगिक ये सारे पदार्थ किस प्रकार के? निर्जीव पदार्थ है। और इन निर्जीव पदार्थों से किसका निर्माण हुआ धीरे धीरे? तो आपको ध्यान रखना निर्जीव पदार्थ है। और इन निर्जीव पदार्थ होंगे उनमें आप विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक और आप ध्यान देंगे तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होंगे जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? कोशिका का निर्माण हुआ है। और कोशिका है वो जीवों की फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। ध्यान दीजिए कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। तो आप देखेंगे कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं वह कौन होती हैं? तो आप देखेंगे कोशिका होती हैं। तो क्रियात्मक इकाई होती हैं वह कोशिका होती हैं। तो प्रत्येक जीव होगा उसकी फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं वह कौन होती हैं? तो आप देखेंगे कोशिका होती हैं। यानी प्रत्येक जीव होगा उसके शरीर का निर्माण होता है। संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ? उसका निर्माण होगा वो किससे होगा? कोशिका से होता है। चाहे एक कोशिकीय जीव अमीबा है या बहुत कोशिकीय जीव है चाहे मनुष्य है उन सभी का निर्माण होगा उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है वो कौन होती है? कोशिका होती है। और शरीर की सभी क्रियाएं होती हैं वह कोशिका के भीतर संपन्न होती है। तो क्रियात्मक इकाई भी क्या होगी? कोशिका। और संरचनात्मक इकाई भी क्या होती है? कोशिका होती है। तो प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह कौन होती है? कोशिका होती है। अब देखिए कोशिका है वे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो एक समान कार्य करेगी वे कोशिकाएं मिलकर के एक समूह का निर्माण करेगी जिसे हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। तो आप ध्यान देंगे समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। तो देखिए समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्तक कहते हैं। और उत्तक या ऑर्गन्स होते हैं वह उत्तक या जिसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो इस प्रकार से टिश्यू का निर्माण हो जाता है।
अब टिश्यू निर्माण होने के बाद में आप ध्यान देंगे तो ये आपको जानना इस प्रकार के उत्तक जो समान कार्य करेंगे। विभिन्न प्रकार के उत्तकों को उदाहरण भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे एक प्रकार का उत्तक है पेशी उत्तक, ये पेशी उत्तक हो गया। या इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे तंत्रिका उत्तक है, या आप देखेंगे कि अस्थि है, तो इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से उत्तक का निर्माण कर लेते हैं, टिश्यू का निर्माण कर लेते हैं। अब उसके बाद में आप देखिए विभिन्न प्रकार के उत्तक जो कि मिलकर के और एक किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंग कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर एक किसी कार्य को संपादित करते हैं, किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अंग कहा जाता है। जैसे कि आप ध्यान देंगे आमाशय एक प्रकार का क्या है, ऑर्गन है, एक अंग है शरीर का, तो ये हमें ध्यान रखना आमाशय हो गया। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे यकृत, यकृत क्या है, तो ये हमारे शरीर का एक अंग है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं वह मिलकर के और एक तंत्र का निर्माण करेंगे और एक संस्थान का निर्माण करेंगे, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे विभिन्न अंग मिलकर के और एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अंग कहा जाता है। तो आप देखेंगे एक या एक से अधिक अंग होंगे वो मिलकर के और क्या निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप देखेंगे कि विभिन्न अंग मिलकर विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तंत्र या सिस्टम कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, तंत्र कहते हैं। तो ध्यान दीजिए विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के और कोई विशिष्ट कार्य करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तंत्र के नाम से जानते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से मानव शरीर है वो एक, आपको क्या ध्यान रखना है, एक जटिल संरचना है, अद्भुत संरचना है, जिसका निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक घटकों या अवयवों से होता है, उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले जो कोशिका बनेगी वो प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होगा, उसी उत्पत्ति और संरचना समान हो तो उसे हम उत्तक कहेंगे, जैसे पेशी है, अस्थि इत्यादि। और विभिन्न प्रकार के जो दो या दो से अधिक उत्तक होते हैं वे मिलकर के किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंग कहा जाता है, जैसे आमाशय यकृत हो गया। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करते हैं, उन कार्यों को संपादित करने वाले अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, तंत्र कहा जाता है। और तंत्र होते हैं उसमें देखेंगे तो मानव शरीर में निम्न प्रकार के तंत्र उपस्थित होते हैं, उन सभी तंत्रों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मानव शरीर में कौन कौन से तंत्र उपस्थित होते हैं, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो तंत्र है वो कौन सा है, पाचन तंत्र। दूसरा तंत्र हम देखेंगे वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना श्वसन तंत्र। सेकेंड हम श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे। थर्ड जो है वो कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे थर्ड है वो परिसंचरण तंत्र है। कौन सा तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। फोर्थ आपको ध्यान रखना है वो उसके बाद में परिसंचरण तंत्र के बाद में उत्सर्जन तंत्र। और उसके बाद में फिफ्थ हमें ध्यान रखना है जनन तंत्र। और सिक्स हमें ध्यान रखना है तंत्रिका तंत्र। और सेवन हमें ध्यान रखना है अंतःस्रावी तंत्र। ये चार सात प्रकार के तंत्र है वो हम इस आपके चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो ये अंतःस्रावी तंत्र हो गया। अब देखिए जो भोजन के पाचन से संबंधित अंग होंगे वो मिलकर के किसका निर्माण करेंगे,
पाचन तंत्र का निर्माण। तो भोजन के पाचन का कार्य संपादित करते हैं उस तंत्र को हम पाचन तंत्र कहेंगे। इसी प्रकार से जो श्वास को अंदर की ओर ग्रहण करना यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना एवं CO2 को बाहर की ओर त्यागने से संबंधित जो तंत्र होगा उसे हम श्वसन तंत्र कहेंगे। और उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो रुधिर और शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ एवं गैसों के विनिमय से संबंधित तंत्र होता है उसे परिसंचरण या सर्कुलेशन सिस्टम कहेंगे। इसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ शरीर बनते हैं उनको बाहर निकालने से संबंधित तंत्र होगा उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहेंगे। और जनन से संबंधित तंत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, जनन तंत्र कहेंगे। और आप ध्यान देंगे तो रासायनिक समन्वय एवं साथ में आपको ध्यान रखना है शरीर की जो वातावरणीय क्रियाएँ होती हैं उन क्रियाओं के बारे में अनुभव करवाने से संबंधित तंत्र होता है उसे तंत्रीय तंत्र कहेंगे। और शरीर में नियमित ग्रोथ एवं विभिन्न उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण से संबंधित तंत्र होता है उसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो ये सारे तंत्र हैं उस बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे वो किसके बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो फर्स्ट हमारा है वो कौन सा तंत्र हमें ध्यान रखना है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, अब देखिए पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फर्स्ट तंत्र होगा वो कौन सा होगा, पाचन तंत्र। अब ध्यान दें प्रत्येक जीव होगा उस जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति है वह हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। भोजन नहीं करते हैं लंबे समय तक तो थकान महसूस होती है, और फिर भोजन करते हैं तो वापस से क्या होती है, हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो हमारी ऊर्जा का स्रोत है वो भोजन है, और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और भोजन होगा उसमें आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं, यानी शरीर में कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन होता है उसके घटक कौन कौन से होते हैं, अवयव कौन कौन से होते हैं, तो भोजन के अवयव में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कौन सा अवयव होता है, तो उसके बाद में आप देखेंगे वसा होता है। और कौन सा अवयव होगा, तो प्रोटीन होता है। और आप देखेंगे तो इसमें प्रोटीन के बाद में खनिज लवण, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं वे उपस्थित होते हैं। फिर विटामिन होता है, और उसके बाद में और देखेंगे तो जल उपस्थित होता है, और जल के अतिरिक्त आप देखेंगे तो अन्य कुछ रेशे वगैरह होते हैं वे उपस्थित होते हैं। तो ये सारे मिलकर के और भोजन का निर्माण करते हैं। तो भोजन विभिन्न घटकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन इत्यादि से मिलकर बना होता है, इत्यादि से मिलकर के बना होता है। अब इन ये घटक होते हैं, ये सारे घटक या भोजन के सभी घटक होते हैं वह जटिल पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। किस पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं, जटिल पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जटिल पदार्थों को विभिन्न रासायनिक एवं जो है विभिन्न रासायनिक एवं रासायनिक एवं आपको ध्यान रखना एंजाइमों की सहायता से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में क्या किया जाता है, पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। और पदार्थों में जो परिवर्तित किया जाता है उस परिवर्तित करने की प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, पाचन कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है पाचन किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है भोजन के विभिन्न जटिल पोषक अवयव होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो ये पाचन की परिभाषा हमें ध्यान रखनी है, किसे कहेंगे पाचन, तो भोजन के जटिल पोषक अवयवों को, भोजन के जटिल पोषक अवयवों को सरल अवयवों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं
विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं रासायनिक क्रियाओं, साथ में आप जानेंगे एंजाइमों, रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। क्या कहलाएगा? पाचन कहलाता है। तो ये हमें पाचन की परिभाषा ध्यान रखनी है। पाचन किसे कहेंगे? तो भोजन के जटिल पोषक अवयवों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सतह सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। पाचन क्रिया भौतिक एवं रासायनिक रूप से जिस तंत्र में संपन्न होती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो पाचन तंत्र कहते हैं। जिस तंत्र में संपन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे? तो पाचन तंत्र कहा जाता है। तो ये पाचन तंत्र की परिभाषा हमें ध्यान रखनी है कि पाचन क्रिया भौतिक एवं रासायनिक रूप से जिस तंत्र में संपन्न होती है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो उसे हम पाचन तंत्र कहेंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, और इससे संबंधित जितने भी अंग होंगे उसे हम क्या कहेंगे? पाचन अंग कहा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी हमें ध्यान रखनी है कि प्रत्येक जीव होगा उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती हैं। भोजन विभिन्न घटकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन से मिलकर के बना होता है। ये सभी अवयव होते हैं वो जटिल पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। इन जटिल पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पाचन कहते हैं। अतः पाचन भोजन के जटिल पोषक अवयवों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया है। फिर उसके बाद में आपको देखता है पाचन क्रिया भौतिक और रासायनिक रूप से जिस तंत्र में संपन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहा जाता है। अब हम देखेंगे मानव के अंदर पाचन तंत्र होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव का पाचन तंत्र होता है, वह पाचन तंत्र दो मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है। एक आपको ध्यान रखना है, वो भाग होता है आहार नाल। तो मानव पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक पाचन ग्रंथियों से मिलकर के बना होता है। पहला भाग कौन सा? ध्यान रखना आहार नाल, और दूसरा हमें ध्यान रखना है सहायक पाचन ग्रंथियां। तो सहायक पाचन ग्रंथियां होगी उनसे मिलकर के और किसका निर्माण होता है? मानव के पाचन तंत्र का निर्माण होता है। अब देखिए आहार नाल है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो आहार नाल होती है वह प्रारंभ किससे होती है, कौन से भाग से होती है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है मुख से प्रारंभ होती है, और मुख होगा वो पीछे की ओर किस में खुलता है? तो मुख गुहा में खुलता है। तो मुख होगा वो किस में खुलेगा? मुख गुहा में खुलता है। माउथ होगा वह बकल कैविटी में खुलता है। मुख गुहा होगी उसके जो पीछे का भाग होता है, और उस पीछे के भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहा जाता है। तो ये पीछे का भाग होगा वो कौन सा भाग हो जाएगा? ग्रसनी। और ग्रसनी होती है वो एक नली में खुलती है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रास नली कहा जाता है, या इसे हम ग्रसिका भी कहा जाता है। तो ग्रास नली या ग्रसिका कहेंगे। और ग्रसिका होगी वह पीछे की ओर खुलती है, वह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय कहा जाता है। तो आमाशय में खुलेगी। और आमाशय होगा वह आगे जाकर के किस में खुलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत्र में खुलता है। और छोटी आंत्र होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रहणी कहेंगे या ड्यूडेनम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ड्यूडेनम या ग्रहणी कहेंगे। बीच का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अग्र शूद्रांत्र कहा जाता है। तो छोटी आंत्र का बीच का भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे? अग्र शूद्रांत्र, या इसे हम क्या कहते हैं? जेजुनम कहा जाता है। तो जेजुनम या हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? अग्र शूद्रांत्र के बारे में।
और उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो जो पीछे का भाग होता है छोटी आंत्र का जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ईलियम ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ईलियम होगा, ये तीनों भाग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, छोटी आंत का निर्माण करते हैं। तो ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण होगा। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि बड़ी आंत्र होगी, और बड़ी आंत्र होती है उसका पहला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिकम कहा जाता है, या जिसे अंधनाल कहेंगे। तो सिकम या अंधनाल होगा, या उंडुक भी जिसे हम कहते हैं, ये भाग होगा। उसके बाद में आपको भाग ध्यान रखना है वो कौन सा होगा, ये भाग है वृद्धांत्र है, वृद्धांत्र या जिसे हम कोलोन कहेंगे। और उसके बाद में भाग होता है वो कौन सा हो जाएगा, मलाशय। तो इन सभी भागों से बाहर की ओर खुलने वाला छिद्र होगा वह गुदा होता है। तो मुख से लेकर के और गुदा तक का भाग होता है वह क्या कहलाएगा, आहारनाल कहलाता है। तो आहारनाल के कौन कौन से भाग होंगे, तो ध्यान दें सबसे पहला भाग होगा वह मुख होगा, और मुख होता है वह किस में खुलता है, मुख गुहा में। तो मुख एवं मुख गुहा पहला भाग हो जाएगा। मुख गुहा के बाद में दूसरा भाग हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में ध्यान देंगे, ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी के बाद में तीसरा भाग होता है वह कौन सा हो जाएगा, ग्रास नली, या जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, तो ग्रास नली हो जाएगी। ग्रास नली के बाद में चौथा भाग होता है वह कौन सा हो जाएगा, आमाशय या स्टोमच, तो आमाशय के बारे में। आमाशय के बाद में पाँचवा भाग होता है वह कौन सा हो जाएगा, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद में अगला भाग हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत होती हैं उसके बाद में हम देखेंगे अगला लास्ट भाग वो कौन सा है, मलाशय एवं गुदा। तो इस प्रकार से मलाशय हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मिलकर के और मनुष्य में आहार नाल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सहायक पाचन ग्रंथियाँ। तो तीन प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियाँ मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। कौन सी उपस्थित होती हैं, तो पहली आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टाइप की जो पाचन ग्रंथि उपस्थित होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहा जाता है। तीन ग्रंथियों से मिलकर बनेगी, एक तो अधोजिह्वा जीभ के नीचे होगी जिसे हम अधोजिह्वा कहेंगे, और दूसरी जो दोनों जबड़े मिलते हैं उसके स्थान पर अधोजंभ होगी, अधोजंभ अधोजंभ। और तीसरी होती हैं वह कान से नीचे उपस्थित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण पूर्व या पैराटिड। तो इस प्रकार से तीनों ग्रंथियां मिलकर के और किसका निर्माण करेगी, लार ग्रंथि का। तो ये लार ग्रंथि हो जाएगी पहली प्रकार की ग्रंथि। दूसरी प्रकार की ग्रंथि होती है जो तनुपट के नीचे उपस्थित होती है जिसे हम यकृत कहेंगे, और तीसरी ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहेंगे, अग्नाशय। तो तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं उसके मिलकर के और सहायक पाचन ग्रंथियों के रूप में कार्य करेगी। तो कौन कौन सी हो जाएगी सहायक पाचन ग्रंथियां, तो तीन प्रकार की सहायक पाचन ग्रंथियां मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। पहली लार ग्रंथि, दूसरी हमें ध्यान रखनी है यकृत, और थर्ड हमें ध्यान रखनी है अग्नाशय। तो ये तीनों ग्रंथियां हमें पढ़नी है, डिटेल से इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से लार ग्रंथि यकृत और अग्नाशय मिलकर के और किसका निर्माण करेंगे, सहायक पाचन ग्रंथियों का। तो ये इस प्रकार से मानव में जो पाचन तंत्र होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उनमें दो मुख्य घटक होंगे, दो मुख्य भाग होते हैं, आहारनाल एवं दूसरा सहायक पाचन ग्रंथियां। आहारनाल होती है वो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है जिसमें निम्न भाग होते हैं, मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलाशय। उसके बाद में सहायक पाचन ग्रंथियां, उसमें लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय होते हैं। अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, आहार नाल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आहार नाल के बारे में, आहार नाल होती है वो किस प्रकार की संरचना होती है। तो मनुष्य में एक लंबी कुंडित नलिका होती है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में लंबी कुंडित नलिका होती है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहा जाता है। तो लंबी कुंडलित नलिका है, लंबी कुंडलित नलिका नलिका जो कहाँ से कहाँ तक, जो मुख से गुदा तक फैली होती हैं, जो मुख से गुदा तक फैली होती हैं, मुख से गुदा तक फैली होती हैं, जो मुख से लेकर के कहाँ तक फैली होती हैं, गुदा तक फैली होती है। एवं आपको ध्यान रखना है जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई होती है वह 8 से 10 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो ये लंबाई कितनी होगी, 8 से 10 मीटर लंबाई होती है। यानी मनुष्य के अंदर आहार नाल वो पूरी कुंडलित संरचना के रूप में उपस्थित होती है, जिसके कारण से इनकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है।
फिर उसके बाद में देखेंगे कि आहार नालों की उसके कार्य क्या होते हैं। तो आहार नालों की उसका मुख्य कार्य होता है वह भोजन को मुख से लेकर के गुदा तक पहुंचाना तथा भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन करना, पाचित भोजन के अवयवों को अवशोषित करना। तो इस प्रकार से इनके तीन मुख्य कार्य हमको ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है भोजन के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना एवं भोजन का पाचन करना। पहला कार्य क्या होगा? भोजन का पाचन करना। तो पहला मुख्य कार्य क्या होगा? भोजन का पाचन करना। दूसरा कार्य क्या होगा? पाचित भोजन का अवशोषण करना इनका कार्य है। और तीसरा कार्य आपको ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखेंगे? तो थर्ड कार्य हम ध्यान देंगे कि जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण होने के बाद में अपाचित भोजन होगा उसको मुख से गुदा तक पहुंचाना। अपाचित भोजन को मुख से कहाँ तक पहुंचाना? गुदा तक पहुंचाना। मुख से गुदा तक पहुंचाना का कार्य है वह आपको ध्यान रखना है किसका होता है? तो आहार नाल का होता है। तो ये तीन मुख्य कार्य हमें ध्यान रखना है, भोजन का पाचन करना, पाचित भोजन का अवशोषण करना एवं अपाचित जो भोजन के पदार्थ होते हैं उन भागों को मुख से गुदा तक पहुंचाना और गुदा के माध्यम से बाहर की ओर त्यागने की क्रिया होती है वह किसके द्वारा संपन्न की जाती है? आहार नाल के द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रकार से हम आहार नाल के बारे में देखेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो आहार नाल होती है उसके विभिन्न भाग होते हैं उनके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे।